गाइस या वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का शुभिश के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से वन ऑफ द फेवरेट वर्ल्ड्स के अंदर, बिल्कुल सही, फोर्ज़ा होराइज़न 5, जहां पर हम लोग चलाते हैं अपनी ड्रीम कार्स और उसके बाद भाई करते हैं फुल ऑन मजे। सो लेट्स गो भाई, चलते हैं। आज हम लोगों ने लिया है वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट रोड लीगल कार। तुम समझ रहे हो ना कौन सी गाड़ी की बात हो रही है? बिल्कुल सही भाई, कोनिग्सेग रगेरा, जिसकी जो बोलना भी नहीं आता है अच्छे से, सही बताऊं तो वो लेने जा रहे हैं। तो प्लीज यार लाइक वाला बटन दबा देना, 100 के लाइक है, जो भी ना है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, अब भी जाओ यार, 100 डेज 100 वीडियोस कर रहा है तुम्हारा भाई। अगर तुमने थोड़ा सपोर्ट दिया तो अच्छा लगता ना, मेहनत करने में और मजा आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बाकी चलो चलते हैं, बताते हैं इन लोगों को टाउन में सबसे फास्टेस्ट बंदा आने वाला है। गाइस हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर और ये है एक्चुअली हम लोग, देखो अभी तो अपनी फेवरेट कार के अंदर, अपनी ड्रीम कार के अंदर, जो कि हमारी निसान GT-R। भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, एक चीज मेरे को नहीं मिल रही है जो कि मैं कैसे भी लूंगा भाई, वो तो गारंटीड है, वो है अपनी निसान GT-R R34। वो मेरे को मिल नहीं पा रही है। मैंने बोल रखा है भाई फ्रेडी से कि करवाओ यार प्लीज फ्रेडी भाई, तो उनने बोला था कि भाई वो करवाएंगे, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि ऑक्शन के लिए आ रही है तो वो हम लोगों को सबसे पहले बता देंगे, बट देखते हैं भाई जब भी मिलेगी। अभी तो ये देखो, ये तुम लोगों के भाई ने एकदम नया घर ले लिया है, ठीक है, ये मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड करा। और तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई, मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस करा था ना बुगाटी शीरॉन लेने का, तो मैंने 1.3 मिलियन क्रेडिट्स जमा कर लिए भाई बुगाटी शीरॉन के लिए। ए फाइंड अ कॉनवॉय, कॉनवॉय नहीं बनानी है ब्रो मेरे को, तो मैंने बुगाटी शीरॉन के लिए 1.3 मिलियन कर दिए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना यार पहले हम लोग कोनिग्सेग ले उसके बाद बुगाटी ले, समझ रहे हो, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ी और हाइप बने तुम लोगों के दिल में कि हाँ यार भाई बुगाटी शीरॉन जिस दिन लेंगे उस दिन देखो तुम लोग। तो हम लोग अभी कोनिग्सेग रिगेरा लेने के लिए जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा भाई फ्रेडी से मिलने के लिए, सीधी सी बात है तुम लोगों को पता है कि भाई वही बंदा है जो हम लोगों को इतनी महंगी महंगी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिला सकता है। बेसिकली कहने का मतलब है खाली पैसे होने से नहीं होता, राइट, तुम्हारे पास पहचान भी होनी चाहिए भाई, तुम्हें पता होना चाहिए किस बंदे के पास मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो चलो चलते हैं फटाफट से जाके फ्रेडी से मिलते हैं। सबसे पहले आई होप एक ना एक कोनिग्सेग रिगेरा तो हो भाई मार्केट में जो तुम्हारा भाई ले पाएगा। हाँ हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो जाए हम लोगों के पास, पैसे कम हो जाए, बट तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के दोस्त कम नहीं है भाई, बाकी तुम लोग तो हो ही, पर वैसे भी बहुत सारे दोस्त हैं हम लोगों के। भाई कैसी जगह पे चला रहा हूँ देख रहे हो GT-R को और भी भगा भगा के चला रहा हूँ जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लिटरली लाइक GT-R भी पूरी जमीन से चिपक के चलती है गाड़ी, लिटरल पूरी जितनी चिपक सकती है ना उतनी। भाई मेरे को यार सामने जाने का मन था बहुत ज़्यादा, वो उसमें पानी में डालने का बहुत मन था मेरे को GT-R को, बट मजाक से हट के भाई ये गेम में ना यार गाड़ियाँ चलाने में जो मज़ा आता ना ये देखो एक बार यार, लेजिट भाई एकदम ऐसा लगता है ना ड्रीम, कैसे बताऊँ यार भाई अपने ड्रीम कार्स को चलाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है, एकदम नेक्स्ट लेवल। तुम देखो तो सही ऐसा ही लग रहा है कि हम ही लोग चला रहे यार। सॉरी बिना देखे डाल दी थी अभी रोड में अभी सही में रियल गाड़ी चलाने जैसा हो गया था भाई ये भी है, फिर अपने पास ये भी है ही, पढ़ाई है हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, बट सही बता रहा हूँ भाई। अरे 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 यार मैं तुम लोगों से बात करने के चक्कर में देखा ही नहीं मैंने, बट सच्ची में भाई यार पता नहीं यार मेरे को ये गेम में जो मज़ा आता है ना वो नेक्स्ट लेवल ही। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में प्लीज़, क्या तुम लोगों को देखने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है जितना मेरे को खेलने में मज़ा आता है इसको? भाई सही में यार क्या ही नेक्स्ट लेवल फील आती है, देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है लेजिट मैं निसान GT-R चला रहा हूँ, एंड सच्ची बता रहा हूँ भाई मेरा ड्रीम कार है निसान GT-R, बहुत ज़्यादा महंगी, इसकी वजह से ले नहीं सकते हैं, बट सच्ची में एक ना एक बार तो लाइफ में लूंगा भाई ये गाड़ी, चाहे तुम कुछ भी बोलो भाई, तुम बोलो नहीं ले पाएगा भाई, नहीं ले पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, ऑलमोस्ट ठोक दिए देखो। अरे हो जाए रिवर्स भाई, चलो भाई सच्ची में यार एक ना एक बार तो कैसे लूंगा पता नहीं, बट एक ना एक बार लाइफ में निसान GT-R जरूर लेगा तुम्हारा भाई, प्रॉमिस है तुम लोगों को मेरा, मेरे को नहीं पता कैसे होगा भाई, हो सकता है मैं गो फंड मी कैंपेन लगा दूं भाई कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं सब लोग 20-20 रुपए डाल दो सारे के सारे भाई, तुम्हारा भाई GT-R ले रहे हैं सारे के सारे 20-25 रुपए डाल दो एक एक जना मजाक कर रहा मैं, ऐसा कभी नहीं कर, ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्या पता भाई सच्ची में कोई ऐसा लेके आए भाई पब्लिक कैंपेन लेके आए मजा आ जाए जिसमें, है ना, यू नेवर नो भाई। मेरे को तो मन है भाई, मैं तो चाहता हूँ तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा क्रेजी नेक्स्ट लेवल करने का। मौसम देखो एक बार, ओ भाई साहब 2 किलोमीटर दूर जाना है लेकिन मौसम देखो एक बार, और उसके साथ ओ आराम से और उसके बाद साथ GT-R भाग रही है 400 की स्पीड में भाई साहब, यार कसम से यार भाई ये गाड़ी ना ए ए ए ठोक दी ये गाड़ी बहुत यार
मेरे को ऐसा हो जाता है, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मन करता है क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है, मैं ऐसे करके तुम लोगों से बात करने लग जाता हूँ और उतने में देखता हूँ गाड़ी का भूत बन जाता है भाई। लिटरली ऐसा लग रहा है अभी ऊपर से कोई कुछ आएगा, थंडर वंडर गिराएंगे भाई, खतरनाक लड़ाई होगी ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा है एवेंजर्स का सीन होगा अब भी, कोई भाई थोनोस वोनोस आके बोलेगा चल रहे 50% लोग निकलो इधर से। लेट्स गो भाई, हम लोग आ चुके हैं, अब बस फ्रेडी का वेट है भाई, फ्रेडी आ जाए फटाफट। तो गाइस जब तक फ्रेडी आता है मैंने सोचा क्यों ना हम लोग तब तक अपनी GTR को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, एक बारी ट्राई करते हैं GTR पे 2-350 हिट करने की इस वाले इस पे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी फरारी से किया हुआ है। लेट्स ट्राई कि क्या हम लोग GTR से भी वो चीज़ कर सकते हैं। लेट्स गो। हो रहा है वॉइस, हो रहा है, कम ऑन 350 नहीं 300 में रुक गया ना, हम लोग को थोड़ा दूर से आना पड़ेगा यार, हम लोग को थोड़ा सा दूर से आना पड़ेगा, पर हम कर सकते हैं, मेरे को फील है हम लोग कर सकते हैं भाई। यहाँ पर हमेशा गाड़ी नहीं ठोकी तो क्या करा है तो ऐसे वाली चीज़ें मिल रही। ट्राई करते हैं यहाँ से आने की भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा। सोचो आज हम लोग कोनिग्सेग रिगैरा चलाने वाले भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। वो गाड़ी एक बार हमारे से जुड़ गई ना, लाइक पता नहीं कैसे मेरे को JDMs ज़्यादा पसंद थी जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, बट भाई मैंने जब से वो फरारी चलाई है ना, मेरे को सही बताऊँ तो मेरे को अच्छी लगने लग गई है। अब जो स्पोर्ट्स कार और प्रॉपर ऐसा हाइपर कार्स है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। लाइक सुपर कार आई गेस वो सुपर कार है अपनी फरारी, बट भाई अभी तो हम लोग सीधे हाइपर कार लेने जा रहे हैं। हाँ तू ये कर ले भाई, पहले ठोक दे तू मुझे एक काम कर, मैं बचा लिया मैंने उससे, वरना गाड़ी गई थी मेरी। चल 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 चल, 350 हो रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ ना 364 भाई, न्यू पर्सनल बेस्ट विद द निसान GTR। अब मैं कहता हूँ भाई उड़ा के भी आते इसको, लेट्स गो। नॉट द बेस्ट बट नॉट बैड इधर, नहीं लाइक मैंने 500 मीटर किया हुआ है फरारी से, 500 मीटर उसको खींच के लेके आया मैं पूरा, और उससे 500 मीटर करा हुआ है मैंने। बट यार GTR तो GTR है, मेरे को बहुत पसंद है गाड़ी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को बहुत प्यार है इससे और एक BMW M5 Pro, दो गाड़ियाँ तो भाई फेवरेट ही है मेरी भाई। मजाक से हट के मैं थक गया हूँ भाई, अगर ये अब नहीं आया होगा ना तो मैं जा रहा हूँ भाई, मैं किसी दूसरे बंदे को देख लूँगा जिसके पास कोई तो होगा कोनिग्सेग वगैरह वाला कोई। आई जस्ट होप इसने सुना ना हो, ठीक है चलो चलते हैं भाई। रियल फ्रेडी ट्यूनर आ तो चुका है भाई, ये बंदे की लिटरली माफिया से पहचाना, देख लो क्या चला रहा है भाई साहब। चलो गाइस मैं जाके फ्रेडी से बात करके आता हूँ और तुम लोगों को बताता हूँ बोल क्या रहा है बंदा, मिल भी पाएगी हम लोगों को कोनिग्सेग वगैरह या फिर नहीं। तो गाइस मेरी बात हो चुकी है फ्रेडी से, एंड बिलीव मी ब्रो ये बंदा ना भाई, यार इस बंदे को भाई इसको कुछ काम ही निकालना होता है सबसे पहले, ये नॉर्मली काम कर ही नहीं सकता है। अब ये बोल रहा है कि इसके लिए हमें कम से कम नहीं भी तो 2 रेसेस जीतनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोगों को कोनिग्सेग वगैरह दिखाएगा। भाई वो गाड़ी रेडी अवेलेबल है बट उसके स्टॉक बहुत ज़्यादा कम है, समझ रहे हो ना, कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा कम है तो हर कोई नहीं खरीद सकता। तो ये बोल रहा है कि मेरे को ये एक सेलर से मिलवाएगा अगर मैं वो दोनों रेसेस में फर्स्ट आ गया तो, क्योंकि ये जीतेगा भाई, पैसा तो कमाता ही है ये बंदा है ना भाई। इसको बताऊंगा मैं, रुक जाओ रेसेस तो जीतनी है, इसको लग रहा है जाने की देरी हो रही है। चलो ठीक है भाई, भाई साहब भाई तो बोल के चले जाता कम से कम, भाई कैसा बंदा है देख रहे हो। ठीक है भाई, चलो भाई फ्रेडी तो चले गया, हम लोगों का भी लगा हुआ है, हम लोग भी इधर से निकलते हैं भाई। हम लोगों को कैसे भी वो 2 रेसेस जीतनी पड़ेंगी फ्रेडी के लिए, वरना भाई भूल जाओ कि हम लोगों को कोनिग्सेग वगैरह मिल रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। और मैं चाहता हूँ भाई वो गाड़ी हम लोगों को मिले, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद कमेंट देखे थे कि सब लोग बोल रहे थे भैया अगर बुगाटी को थोड़े टाइम के लिए रोक के भाई पहले कोनिग्सेग ले ले तो क्या, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं यार, तुम लोगों के लिए तो भाई जान हाजिर है यार, तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, क्यों नहीं मिलेगी भाई, कोनिग्सेग लेंगे पहले फिर बुगाटी चिरोन तो गारंटीड लेंगे भाई, वो गाड़ी तो गाड़ी है यार, वो तो गारंटीड लेनी है हम लोगों ने। चलो देखते हैं, फटाफट चलते हैं और जाके देखते हैं कि हम लोगों को क्या होगा, कितने पैसे कम पड़ेंगे। आई जस्ट होप ज़्यादा पैसे कम ना पड़े, वही है मेरी लाइक रिक्वेस्ट बोल सकता हूँ मैं अगर तो भाई, आई होप ज़्यादा पैसे कम ना पड़े। अभी तो चलते फटाफट से रेस के लिए, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर तो GTR में ऐसे ही पार कर देते हैं हम, समझ रहे हैं GTR में 6 किलोमीटर हो जाते हैं ऐसे पार।
ऐसे आउट थोड़ी थोड़ी सी बाहर भी निकल जाती है GTR, बट हो जाती है कंट्रोल भाई। सुपरा कंट्रोल करना बहुत हार्ड है भाई, मैं मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची में भाई। सुपरा गाड़ी ना कंट्रोल करना बहुत हार्ड है, क्योंकि वो रियर व्हील ड्राइव है, जैसे मस्टैंग है ना, जैसे मस्टैंग को कंट्रोल करना हार्ड होता है वैसे ही, क्योंकि तुम लोग उसको 200-200, 300-300 भगाओगे ना जब, तो तुम लोगों को पता चलेगा। लाइक 100 की स्पीड में तो कंट्रोल करना क्या ही बड़ी चीज़ है, बट जैसे जब तुम 200-200 की स्पीड में भगाते हो और कॉर्नर्स लेते हो, उसमें पता चलता है भाई। जैसे GTR एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो अगर मैं ब्रेक भी मारूं या फिर रोक के एकदम से भी एक्सेलरेट करूं ना, तो भी ये गाड़ी फुल मजे दिलवाएगी। पर वही चीज़ है कि फिर लेकिन ड्रिफ्टिंग में जो मजा आता है सुपरा से, ओ भाई साहब, भाई सुपरा ड्रिफ्टिंग की तो किंग है भाई। ड्रिफ्टिंग भी और ड्रैग्स भी अच्छे मारती है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक सुपरा ड्रैग्स भी अच्छे मारती है। हाँ, GTR से जीत सकती नहीं जीत सकती है, दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ, ठीक है, बट हाँ सुपरा बहुत खतरनाक ड्रैग्स में भी और ड्रिफ्ट में, तो क्या ही कहने भाई सुपरा, नो डाउट भाई, नेक्स्ट लेवल। हाँ, सुबारू और ये सब भी हैं, क्या कहते हैं तुम्हारी यार, यार एक तो गाड़ी है यार, सुबारू की है या फिर किसकी है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो बहुत मस्त गाड़ी है ड्रिफ्टिंग के लिए। पहले देखते थोड़ा अपना स्पीड वाला बढ़ाते हैं, ठीक है, पहले अपना थोड़ा सा क्या कहते हैं अपनी थोड़ी फास्ट फास्ट कार्स जमा करते हैं, ताकि फ्रेडी अगर फ्यूचर में, भाई मैं चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ना अपनी माफिया वाफिया के बंदों से बात चले यार, पता नहीं क्यों यार, मेरे को सच्ची में मैं चाहता हूँ पता है कि ये माफिया लोगों के पास कौन सी गाड़ियाँ हैं, कैसी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे भाई फ्रेडी के पास सारी गाड़ियाँ मिल जाती है। तुम देखो ना, मैंने सही बता रहा हूँ, मैंने कॉनिक्सिक वगैरह हर जगह पता करी, कहीं नहीं मिली। फ्रेडी बोलता है भाई है, लेकिन तुम्हें बस रेसेस जीतनी है मेरे लिए। तुम समझ रहे हो बंदे का कैसा है, नेक्स्ट लेवल भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, लेट्स गो, सोलो जाएंगे हम लोग, डूनास ब्लांका स्प्रिंट। ओके, यहाँ पर हम लोगों को रेस करनी है भाई, R34 भी लेनी है हम लोगों ने एक बार, ठीक है, गारंटीड लेनी है। रिकमेंडेड में तो सारी सारी, फेयर लेडीज ही तो नहीं चलाने वाला मैं, बहुत स्लो कार है भाई, बहुत ज़्यादा। M8 भी हम लोगों ने कुछ खास वो नहीं कर रखी है, लाइक इवॉल्व नहीं कर रखी है, तो उतने मज़े नहीं आएंगे। या तो फिर GTR से रेस करते हैं, या तो फिर अपनी कॉर्वेट निकालते हैं, मैं तो बोलता हूँ कॉर्वेट निकाल सकते हैं भाई, लंबी रेस होगी ना तो कॉर्वेट में मज़ा आता है। फिर फरारी तो फरारी है ही भाई, लेजेंडरी गाड़ी है, XL लिटरली, उसके बाद अपने पास कमी नहीं है भाई। ये देख रहे हो ड्रिफ्ट मॉड्यूलर 2020 की सुपरा भी पड़ी हुई है, ये भी निकाल सकते हैं। पर मैं सोच रहा हूँ हम लोग अपनी हुराकान भी निकाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी मॉडिफाइड है भाई, S2 मॉडिफाइड है, समझ रहे हो यार। GTR ये करनी है, GT मॉडिफाई करनी है अपनी मर्सिडीज यार, बाकी ये तो अपनी है ही भाई सुपरा, ये भी नेक्स्ट लेवल है ही। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग ये वाली रेस, ओके हम लोग एक काम करते हैं, पहली रेस अपनी ना कॉर्वेट निकालते हैं, पहली रेस के लिए कॉर्वेट निकालते हैं, सेकेंड वाली हम लोग देखेंगे या तो फिर सुपरा या तो फिर GTR से करेंगे, मौसम पे डिपेंडेंट है, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो हम लोग सुपरा से नहीं करेंगे, GTR से करेंगे, बट अगर बारिश कम होगी तो सुपरा से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ फास्ट तो है भाई, सुपरा भी निकालती है भाई, आई थिंक 400 तो मेरी सुपरा जाती जाती है भाई। मेरे पैर में बहुत खुजली हो रही है आज, पता नहीं क्या हो गया, मच्छर काट रहे लग रहा है। लेट्स गो गाइस, दिखा देते हैं इन लोगों को कि हम क्या है भाई। अरे हट जाओ भाई, भाई भाई कॉर्वेट, मैं कुछ भी बोल लूँ ना कॉर्वेट के बारे में, भाई कॉर्वेट भी अपनी नेक्स्ट लेवल गाड़ी है, लेकिन 400 नहीं भागेगी, ठीक है, हो सकता है मॉडिफाई करके भागे, पर अभी के लिए तो ये ऐसे में तो नहीं भागती है, बट इसका कंट्रोल जो है ना, ये रोड को जो ग्रिप करके चलती है ना भाई, मजा ही आ जाता है। ये देखो तुम लोग एक बार भाई, रोड को जो ग्रिप करके चलती है, हमारे आसपास कोई नहीं है भाई, तुम समझ रहे हो, हमारे आसपास कोई नहीं है, लोग मर्सिडीज और इन सब में दिख रहे थे मेरे को अभी अभी, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा सच्ची में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज तो कॉनिक्सेग आ रही है भाई, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट जहाँ पर हो गए वहाँ पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है भाई, बस आज तो कॉनिक्सेग आ रही है, मगर जिस हिसाब से रेस चल रही है ना ऑलरेडी, चलो हो जाए, चल 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 यार, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, इतना बड़ा टर्न है, ओके क्या हो रहा है, ओके नहीं हो रहा, चल 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 चल, निकल 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 इससे पहले पकड़े, भगा भगा भगा, चल कॉर्वेट पकड़, ठोक मत यार गाड़ी को भाई, नहीं नहीं नहीं, ओ भाई भाई ये कौन आया, फरारी लेके आ रहा है भाई कोई, भाग 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 कॉर्वेट, चल 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 भाई, 200-200 की स्पीड में कंट्रोल करना गाड़ी को, एकदम खतरनाक होता है भाई, डेंजर। अरे जीत रहे हम लोग ये वाली रेस, तो हम लोग जीत रहे भाई, डेजर्ट के बीच में है प्रॉपर रेस, लेट्स गो भाई, चल 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 चल, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, 56% और हम लोग अभी ढंग से फर्स्ट पे, समझ रहे हो ना, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है,
इजी भाई, मैं भी साइड का व्यू दिखाने के चक्कर में हो गया था खत्म। ये देखो यार तुम लोग, एक बार कॉर्वेट चलती हुई क्या क्रेजी लग रही है ना। ओ भाई साहब, चलो अंदर से चलाते इसको थोड़ी देर के लिए। चलो कॉर्वेट भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा यार, ये गाड़ी क्या क्रेजी गाड़ी है। मतलब मेरे पास सच्ची बताओ ना, कुछ गाड़ियां तो मेरे पास बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। यार नहीं 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 नहीं, चल चल चल, ओवर कॉन्फिडेंट 80% रेस भाई यार। नहीं 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 नहीं, ये फरारी वाला बंदा ले जाएगा। नहीं 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 नहीं, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। चल 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 चल, खींच खींच खींच, कॉर्वेट लेट्स गो। ऐसे नहीं भाई, इतनी एक मिनट, ये भी कॉर्वेट है क्या? वही सोचो, मैं इसका एक्सेलरेशन इतना अच्छा नहीं है। फरारी इसका नॉर्मली एक्सेलरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। चलो 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 चलो, Let's go boys. You know who this is boys. भाई मेरे से पंगे नहीं। ओ लग गई भाई गाड़ी। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार। भाई हम लोगों ने अपनी पहली रेस तो जीत ली भाई, लेट्स गो भाई। कॉर्वेट पता नहीं कैसे, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा डिपेंडेबल गाड़ी है। अगर बाय चांस बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी स्टार्ट होना और रूट अगर खतरनाक हो तो भाई कॉर्वेट निकाल ही देती है रेस। लाइक ये बहुत अच्छी रोड्स पे ना, मतलब कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे टर्न्स काटती है गाड़ी, मजाक से हट के बहुत ही ज़्यादा प्यारे टर्न्स। तो चलो चलते हैं सेकेंड रेस की तरफ को, जहाँ पर हम लोगों को जाना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों को कॉनिग्सेग वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है। और मैं तो कहता हूँ पता है क्या, गाड़ी निकालो भाई, गाड़ी निकालो, और वो भी निकालो। देखो ये तो अपनी सुपरा है, ठीक है, ये अपनी वाली सुपरा है जो बहुत क्रेजी है, मस्त है एकदम। पर अपने पास एक और सुपरा है जो कि प्रॉपर ड्रिफ्टिंग सुपरा है, तुम समझ रहे हो ना, ये ड्रिफ्टिंग क्ले ही बनी हुई है। नेज़ुकचान वाली है, अरे नहीं ये नहीं है नेज़ुकचान वाली, बट ये दूसरी है, बट ये भी क्रेजी कूल लगती है आई गेस इसमें। यस सर, ये देखो इसमें आगे से पटाखे लगते हैं, जैसे अपने पास वो है ना MK4 है, वैसी ये वाली MK5 है। ये देख रहे हो कैसे कैसे नाच रही है, देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी गंदी है, पर तुम इस गाड़ी में ना ऐसा नॉर्मली ऐसे बस पंजा दबा के घूम नहीं सकते। बेसिकली भागती भी है गाड़ी, सब कुछ करती है, पर ये देखो, देख रहे हो ड्रिफ्टे कैसे मार रही है, बिना मारे, मैंने कोई ड्रिफ्ट नहीं मारी है। अबे यार भाई, ये लिटरली पहली बात तो ये ड्रिफ्ट फिट है प्रॉपर, समझ रहे हो, ये रेस फिट नहीं है, ये भागेगी नहीं, ये ड्रिफ्ट है लेकिन बहुत क्रेजी मारेगी। अगर मैंने पंजा दबा दिया, देखो ये गाड़ी नॉर्मल चल रही है, अभी मैंने पंजा नहीं दबाया, ठीक है, और अगर मैंने पंजा दबा दिया तो ये गाड़ी भाई, ओ माय गॉड, ये कौन सी जगह है भाई, भाई यार ये गाड़ी है तो कूल यार, और प्रॉपर क्रोमिंग है, देख रहे हो इसके ऊपर वो हो रहा है, क्या कहते हो से, गाड़ी के ऊपर पेड़ वेड़ की छाया सब कुछ दिख रही है प्रॉपर भाई। लेट्स गो भाई, यार पता नहीं कैसे बताऊं तुम्हें मैं, पर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी है, बहुत ज़्यादा। बस इसमें पंजा नहीं दबाना है, उसका ध्यान देना है, पर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव है भाई, बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसको चलाने में जो मज़ा आता है ना, वो सही बताओ तो GTR को चलाने में भी नहीं आता। बस ऐसे करते करते चलाते रहो इसको भाई। भाई मैं तो बोलता हूँ भाई, जिस दिन सुपरा मेरे से अच्छे से कंट्रोल होनी स्टार्ट हो गई ना गाड़ी, भाई भाई उस दिन मान जाऊंगा मैं कि मैं, मेरे को आ गई ड्रिफ्टिंग भाई अच्छे से, जिस दिन मेरे से सुपरा कंट्रोल होनी शुरू हो गई फुल पंजे में, मतलब पूरा पंजा दबाने के बाद। हाँ मैं इसमें रेस फिट लगा के फिर वो सब चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, बट ड्रिफ्ट फिट में ही प्रॉपर, समझ रहे हो। मतलब जैसे तुम देख रहे हो ना, ये हम लोग ऐसे चला रहे तो इसी में प्रॉपर, मैं बस पंजा दबाऊंगा और ये गाड़ी जाएगी कहीं और। ये देखो जैसे ही पंजा दबाऊंगा पूरा, अगर नॉर्मल चलाऊंगा, ये देखो अगर मैं इसको इतनी स्पीड में रख के चलाऊँ ना
कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये देख रहा हूँ, मैंने व्हील भी छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी प्यार से चलेगी, जैसे ही पंजा दबाऊंगा देखो, ये देख रहे हो कैसे भागी साइड को, वो तो मैं कंट्रोल कर ले रहा, मतलब व्हील पकड़ के, पर ये जो भागती है ना एकदम से भाई, जैसे ही पंजा मतलब एक्सेलरेशन करो पूरा फुल खत्म भाई, गाड़ी हवा में, मतलब हवा में नहीं पर उड़ना शुरू कर देती है। तो गाइज फाइनली फ्रेडी का कॉल आया मेरे को अभी अभी, और उसने हमें नई जगह बता दी, हमें 7,500 किलोमीटर दूर जाना है। तो चलो भाई बढ़िया है, अच्छी खासी सुपरा भी है ही अपने साथ अपनी, तो चलते हैं इसको लेके। ओए इसमें वो भी मिले हमें, पॉइंट्स भी मिले, रुको जरा कार, ओ भाई साहब कार मास्टर के पॉइंट्स देख रहे हो तुम लोग, कितने जमा कर दिए मैंने। ओके ये भी लेंगे, ये भी ले लो, बढ़िया। चलो भाई मैंने सुपरा इसमें करा ही नहीं था, मतलब MK5 में। चलो चलते हैं गाइस फटाफट से, और जाके अपनी सेकंड रेस भी जीतते हैं अगर हम लोगों को कॉनिक्सेक जेस्को खरीदनी है तो। यार मजे तो है इस गाड़ी को भी चलाने के, भाई मजाक से हट के, लाइक GTR तो GTR है, देखो सबकी अपनी अपनी एक फेवरेट कार होती है जो उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है। मेरी लेजिट GTR कब की फेवरेट है पता तुम लोगों को? लोगों को लगेगा कि नहीं यार भाई कूल बन रहा है अभी, भाई मेरी GTR लिटरल बचपन की फेवरेट है, तुम समझ रहे हो, मतलब भाई मतलब बहुत बचपन भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटे में, बढ़िया बहुत बढ़िया सुपरा जी, वहाँ बचपन इन द सेंस बहुत छोटे में भी नहीं, बट होता नहीं है जहाँ पर तुम्हें गाड़ियाँ पसंद आनी शुरू होती है। जब मैंने हैरियर ली थी ना पहली बार तो मैं गाड़ियाँ देखता था कि भाई कौन सी गाड़ी होती है, कैसी होती है, क्या चलती है, मेरे को उससे पहले गाड़ियों का ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कार लूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा तुम लोगों से, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कार लूँगा ये सब, तो मुझे गाड़ियों के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ठीक है। पर जैसे ही मेरे को पता चला और फिर मैंने सर्च करना शुरू करा, मेरी आँख में जो चमकी है ना, मैं तुम लोगों को झूठ भी नहीं बोलूँगा, मेरी आँख में जो ऐसे चमकी है ना GTR, होता नहीं कोई कोई गाड़ी को देख के या कोई पर्सन को देख के तुम्हारे आंखों में एकदम से होता है कि यार पता नहीं कैसे पर ये मुझे पसंद आ गया, या फिर पता नहीं कैसे यार ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग गई, फिर वो चाहे साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, कोई कॉपी बुक कुछ भी हो, भाई मेरे साथ वो चीज़ हुई थी GTR को देख के, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। फर्स्ट लुक मारा मैंने और मेरे को हो गया यार ये क्या चीज़ है यार, तो जादुई चीज़ है यार, इतनी खूबसूरत कैसे कोई चीज़ हो सकती है भाई, मजाक से हटके, बट वही है यार, फिर इंडिया में 2.5 करोड़ की है यार गाड़ी, 2.5 करोड़ की, बाहर तुम लोग अगर सेकेंड हैंड भी लेने जाओगे तुम लोगों को 50-60-80 लाख तक की मिल जाएगी सेकेंड हैंड, ठीक है। फर्स्ट हैंड तो तुम लोगों को आराम से कुछ नहीं भी तो 1.5 करोड़ के आसपास मिलेगी, पर फिर भी भाई इंडिया में लाने के लिए तुम्हें उसको 2.5 करोड़ रुपये चाहिए, 2.5 करोड़ रुपये भाई, सीधी सी बात है, गाड़ी भी बहुत तगड़ी है पर यार फिर बुरा लगता है ना थोड़ा सा यार, क्या कर सकते हैं है ना, तो इसलिए वो फिर एकदम ही आउट ऑफ रीच हो जाती है भाई, 2.5 करोड़ रुपये तुम समझ रहे हो, वो भाई साहब सोच के ऐसा हो जाता ना मेरे को, नहीं यार कुछ ज़्यादा ही महंगी नहीं होगी गाड़ी, ठीक है। चलता ही फिर भैया स्ट्रीट में रेस मत करवाना, स्ट्रीट में तो सुपरा चला ही ना लूँ मैं, मजाक से हट के भाई, ये टर्न बहुत फास्ट फास्ट आएंगे ना और कंट्रोल नहीं होती फिर सुपरा मेरे से, तो मैं तो तुम्हें क्लियर बोलता हूँ भाई, अबे ओए 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 पुलिस चलान काटे, अरे चलो गाइस लेट्स सी इस स्प्रिंट में हम लोग जीत पाते, अगर हम लोग ये जीत गए गाइस तो याद रखना कॉनिक्सेग रेगेरा हमारे पास होगी। ओके इसमें बहुत ही गंदी गंदी M3 गाड़ियाँ दिखा रहे हैं ये लोग, मैं लेने नहीं वाला इन सब में से कुछ भी, मैंने तुम लोगों को बोला था कि दो में से एक चीज़ लेंगे, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं जितना अभी सुपरा चला के आया ना, मेरा सच्ची में बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि लेट्स गो विद निसान GTR भाई, क्या गाड़ी है यार, क्या लगती है भाई, लेट्स गो भाई, मजाक से हट के भाई JDM's का तो भाई ये एकदम कैसे पता होली ग्रेल है ये गाड़ी भाई, होली ग्रेल, मतलब R35 नहीं R34 ज़्यादा लोग मानते हैं, बट R34 मिल ही नहीं रही यार, मैं फ्रेडी से बोल के थक चुका हूँ यार, लेट्स गो लेट्स सी क्या होता है, अगर हम लोग ये रेस जीत पाते या नहीं जीत पाते, भाई जेन्युइनली स्पीकिंग मैं जीतना चाहता हूँ ये रेस, हम लोगों को फ्रेडी अगर सेकंड चांस नहीं देगा ना तो दिक्कत हो जाएगी सोच लो, तो हम लोगों को ये रेस जीतनी होगी। नो भाई ये प्रॉपर स्ट्रीट रेस है, ओ भाई मुझे यहाँ कॉर्वेट निकालनी चाहिए थी यार, कॉर्वेट नहीं तो अपनी फरारी लेके आनी चाहिए थी, ये प्रॉपर स्ट्रीट रेस है तुम समझ रहे हो, यहाँ पर चाहिए जैसी टर्निंग ये कर रही है ना गाड़ियाँ, एकदम से झटके वाली टर्निंग, क्योंकि ये लोग ड्रिफ्ट तो ना मारेंगे, जितने में मैं ड्रिफ्ट मारूंगा उतने में तो ये लोग भगा के चले जाएंगे ब्रेक मार के ही, ड्रिफ्टिंग से गाड़ी स्लो होती है ना बहुत ज़्यादा। चल GTR
अरे यार प्लीज ब्रो प्लीज, आई रियली नीड दैट कॉनिग्सेग यार। एक रेस हार जा ब्रो, एक रेस हार जा, ये वाली मेरा दोस्त नहीं है। ओ नहीं नहीं, चल 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 यार, ये बंदा बहुत टफ दे रहा है, ये बंदा बहुत टफ कर रहा है इस चीज को यार। कम ऑन कम ऑन, नहीं 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 यार, एक बार टर्न्स तो देखो, ये हम लोग लेजेंड गलियों में रेस कर रहे हैं। शिट, नहीं 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 नहीं, चल झूठ यार दिखा दो जलवा। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं यार, ये मोटे अंगूठे भाई मेरे, गलती से हो गया यार। मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने फरारी निकालनी चाहिए थी यार। फरारी इन मोड़ों को जो काट रही होती ना, बस थोड़े से ब्रेक मारो और फरारी काट काट के ले जा रही होती इन मोड़ों को। यार ये टर्न होने को ही तैयार नहीं है गाड़ी यार। नहीं यार, कम ऑन ब्रो, नहीं यार, फिफ्थ नहीं यार भाई, नहीं यार भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा यार, आई ट्राइड माय बेस्ट ब्रो। तुम लोगों ने देखा ना, मैंने पूरी एड़ी चोटी कर दम लगा दिया, बट यार फरारीज एंड एवरीथिंग ना भाई, वो लोग टर्न्स बहुत क्रेजी काटती हैं यार, वो गाड़ियां एकदम नेक्स्ट लेवल होती हैं। तो मैंने कैसे ना कैसे फ्रेडी से बात करी है कि भाई मेरे को एक चांस और दे दे, उसके मेरी वजह से वो बहुत सारे रुपए लूज कर गया, बट भाई उसने मेरे को एक चांस और दिया है उस रेस पे। उसने बोला है कि भाई अगर तेरे को अपने आप को प्रूव करना है तो इस बारी तूने अगर कर दिया तो भाई तू निकल जाएगा, बच जाएगा, वरना जिन माफिया से वो पैसे लेता है ना, वो उसकी तो भाई चमड़ी उधेड़ेंगे ही, वो मुझे मारेंगे अलग, बोल रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, बट भाई मेरे को कैसे भी आज कॉनिग्सेग तो लेनी है भाई। मैंने अगर तुम लोगों से प्रॉमिस कर दिया तो मैं लेके ही रहूँगा, सो लेट्स गो भाई। मेरे को एक और मौका मिला ना, इस बारी मैं फरारी या कुछ लेके जाऊंगा भाई उसके पास। इस बारी इस रेस में हम लोग फरारी या तो फिर अपनी लैम्बो निकालेंगे, दोनों में से एक गाड़ी निकालेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, अपना बेस्ट देंगे इस बारी भाई, 100% देंगे, मैं तो दूंगा भाई, लेट्स डू दिस यार। चलो चलते हैं भाई, ये रेस तो थी यार, जो भी बोलो रेस तो बहुत हार्ड थी भाई, ये रेस तो बहुत हार्ड थी भाई। Cloudy afternoon. Let's do this, boys. मैं निकाल लूँ अपनी फरारी भाई, मुझे नहीं पता भाई, मेरे को ये शॉर्ट शॉर्ट जीतना है। अब एक मौका दिया है उसने, मैं अपनी फरारी निकाल लूँ भाई। आई गेस फरारी अभी तक की मेरी, कॉर्वेट और फरारी मेरी सबसे बढ़िया गाड़ियाँ हैं जो टर्न्स बहुत अच्छा मारती हैं। सो लेट्स डू दिस ब्रो, फरारी XXX के ही वो। चलो हो जाए भाई, हो जाए, लेट्स डू दिस, कम ऑन फरारी, डोंट लेट मी डाउन, लेट्स गो। भाई फरारी में मैंने ड्रिफ्ट फिट लगाया था क्या? अरे ये कौन सी गाड़ी है भाई? हट जा आगे से, ओए शैतान का नाना, निकल। आज नहीं बेटा, आज नहीं, तुम्हारे जो बड़े भाई है ना, वो एक्चुअली अपनी फरारी में आ गए ब्रो, तो इसलिए ना तुम लोगों ने मेरे को GTR में तो हरा दिया, पर अब फरारी में नहीं हरा पाओगे ब्रो, बहुत हो गया। Let's do this, boys. Come on, यार थोड़ा ढंग से चला ले ब्रो,
यार प्रेशर ब्रो प्रेशर। यार मैं तुम लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को सच्ची में ऐसा हो रहा है ना, मेरे को ये रेस कैसे भी जीतनी है ब्रो, कैसे भी मतलब कैसे भी। यार ये कौन सी गाड़ी है आगे जो चल रही है ब्रो, प्लीज मेरे को बताना यार ये गाड़ी कौन सी है ये, क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ी है ब्रो। तुम सोचो फुल्ली ट्यून्ड फरारी है ये, और वो उसको एक्सेलरेशन में पूरा हरा रही है, पूरा थोड़ा भी नहीं। चल बेटे चल, कल आना कल। इसको 79% हम लोग कर सकते हैं ब्रो, हम लोग कर सकते हैं ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में हम लोग कर सकते हैं। लेट्स गो, कॉनिक सैग में आ रहा हूं। चल 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 अच्छा, लेट्स डू दिस फिनिश लाइन 200 मीटर्स, सब तोड़ते हुए जा रहा हूं। आज रात इस सिटी में लाइट नहीं आने वाली है, बट गेस हु इज गोइंग टू गेट अ कॉनिक्सेग ब्रो। भाई मैंने तुम लोगों को बोला था ना, फरारी में अगर हम लोग आ गए तो इसमें टर्न्स थोड़े से अच्छे कटते हैं, इवन दो मैं मजाक नहीं करूंगा, हम लोगों ने GTR से ज्यादा आई गेस हमारी फरारी ठोकी है जाते हुए, पर फिर भी ब्रो इस गाड़ी का एक्सेलरेशन सब कुछ इतना ऑन पॉइंट होता है ना यार, नेक्स्ट लेवल मजा आता है। चलो चलते हैं फटाफट से भाई, देखते हैं अगर हम लोगों को क्या फ्रेडी दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, क्योंकि भाई उसके हमने मजाक से हट के जो पिछला रेस हम हारे हैं ना, उसने गारंटीड उसमें बहुत सारे पैसे लूज करे, गारंटीड उस बंदे ने उस रेस में बहुत सारे पैसे लूज करे, बस आई जस्ट होप गुस्सा ना हुआ हो और उसने माफिया के पैसे यूज ना करे, ठीक है। सेकंड रेस में वो जीत ही गया होगा, पर उसने मेरे ऊपर लाइक ट्रस्ट के साथ पैसे भी लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे, क्योंकि उसने कम लगाए होंगे तो फिर वो जीता, बट उतने नहीं जीता होगा जितने वो हारा था, तो मेरे को पता नहीं है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मजाक नहीं करूँगा। बस यार पता चला कॉनिक्सैग लेते लेते भाई, समझ रहे हो ना, टर्न राइट। अच्छा मैं सोच रहा हूँ एक ही लेफ्ट है बोल रही है टर्न राइट, ये कैसा गूगल लगा दिया भाई मैंने, मतलब मैप लगा दिया सर। यही पहले, ये तो फर्स्ट था ना। अच्छा भाई ये सिटी बहुत खतरनाक है पर रेस करने के लिए, तुम लोगों ने देखा लोग कैसे चला रहे थे भाई, खतरनाक एकदम भगा भगा को उड़ा उड़ा के गाड़ियां भाई, ये सिटी है तो बहुत खतरनाक और खूबसूरत भी है उसके साथ साथ, देख रहे हो ऐसा लग रहा है गोवा आगे, सारे रंग बिरंगे घर जैसे सब कुछ भाई। चलो चलते है भाई, 7.5 किलोमीटर है, क्या लगता है गाइस तुम लोगों को, अभी से वीडियो को आगे करके मत देखना प्लीज़ भाई, मेरे को अभी से बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, क्या फ्रेडी हम लोगों को कॉनिक्सैग दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। बेसिकली पैसे तो हम ही लगा रहे हैं, इस बारी फुल पैसे हम लोग देंगे, ठीक है, तुम्हारे भाई ने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, पर बात यह है कि क्या वो हम लोगों को वो बाइंग टेबल पर बैठाएगा या वो हमसे नाराज़ होगा, तुम लोग अभी गैस करो फटाफट से, क्या वो हमें लेने देगा या नहीं लेने देगा भाई ये गाड़ी। भाई मैं चाहता हूँ लूँ भाई, वरना फिर देख लो भाई, रगैरा नहीं लेने दी ना तो फिर जेस को ही लेके आ जाऊँगा मैं, मेरे से पता नहीं, देख रहे हो फरारी को यार फूलों के बगान में कौन लेके गया तुम बताओ, लोग अपने कलेक्शन से बाहर निकालते हैं और भाई तुम्हारा देख रहे हो फूल पत्तियों के बीच में डाल देते हैं। भाई ये गाड़ी लेकिन क्या भागती है यार, इसका एक्सेलरेशन तो कमाल का है यार, कमाल का एकदम नेक्स्ट लेवल, जो ही खींचती है ये गाड़ी लगता है कि हाँ भाई उड़ रही हो गाड़ी, भाग रही है एकदम तेज भाई। बट आई डोंट थिंक सो ये 400 कर पा रही है, 375 पे रुक गई थी ना, इसकी ट्यूनिंग और थोड़ी अच्छी करवाऊंगा मैं फ्रेडी से, फ्रेडी से बोलूँगा इसमें कुछ ऐसा ट्यूनिंग लगा जो 450 तो जाए, 500 तो नहीं खैर 450 तो एटलीस्ट जाए भाई, 450 तो बनता है एक गाड़ी का, वो भी इस लेवल की गाड़ी और इतनी महंगी गाड़ी, सबसे मेन चीज़ 450 तो जाना बनता है इसका भाई। भाई मेरे को तो हो रहा है कि अगर ये गाड़ियाँ ऐसी हैं तो सोचो रगैरा कैसी होगी, समझ रहे हो तुम लोग, लाइक ये भी अच्छी गाड़ियाँ हैं भाई, पर रगैरा इज़ लाइक वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार, समझ रहे हो, आई थिंक सबसे बुगाटी चिरोन से भी ज़्यादा तेज़ उसका
जीरो टू हंड्रेड हो गया है अभी 19 या 20 सेकंड्स में, गलत हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में गारंटीड से बताना कि कितने सेकंड्स में, बट लेट्स गो, लेट्स होप फ्रेडी हो इस बार। यहाँ गाइस फाइनली मेरी बात हो चुकी है फ्रेडी ट्यूनर से, और भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रेजी है भाई, इसने हमें नंबर दे दिया उस बंदे का जो हम लोगों को कॉनिक्सेक वगैरह बेचेगा, तुम समझ रहे हो भाई। ये गुस्सा नहीं है, ऐसा बोल तो रहा है भाई जो भी हो जैसा भी हो, पर बंदे ने हमें नंबर दे दिया, पास दे दिया, इसका मतलब अब हम लोग ले सकते हैं। अब देखते हैं कितनी महंगी आएगी क्या आएगी, वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट होना तो चाहिए कि तुम्हारी बात हो भाई। थैंक यू सो मच यार फ्रेडी भाई दे। ओके भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुस्सा ही है, बट छोड़ो ना भाई, हमें क्या करना है भाई, रिवर्स लो सबसे पहले और चलो फेस्टिवल के अंदर भाई, लगाते हैं बंदे को कॉल और लेते हैं भाई कॉनिक्सेक वगैरह। अब अगर हम लोग बाय एंड सेल में जाकर ऑटो शो पे जाएंगे तो हम लोग को दिखना चाहिए, ठीक है, कॉनिक्सैक जेस्को और कॉनिक्सैक अगेरा रगेरा, लेट्स गो बॉयज। हम लोग रगेरा अगेरा जेस्को तीनों ले सकते हैं, बट भाई साहब एक बार पैसे देख लो भाई इन गाड़ियों के, लिटरली 2 मिलियन की अगेरा आरएस है, फिर रगेरा हमारी क्या कहते हैं, नहीं भी तो मान के चलो भाई 2 मिलियन की रगेरा है, नहीं 2 मिलियन कहाँ, 1.9 मिलियन की रगेरा है भाई, अगेरा आरएस लूँ या फिर रगेरा लूँ। ओके ले एक बार देखते हैं, ठीक है, स्पीड में 10 है, हैंडलिंग में 8.9 है, ठीक है 7, क्योंकि यार दोनों पैसे बस 1-1 लाख रुपये का फ़र्क है, तो मेरे हिसाब से भाई नहीं यार, एक्सेलरेशन भी इसका बहुत तगड़ा है, लॉन्च भी इसका बहुत तगड़ा है, ब्रेकिंग भी तगड़ी है, सब कुछ अच्छा है भाई इसका। भाई मेरा मन तो 11 में जा रहा है भाई, मैं सोच रहा हूँ 11 लेते हैं, ठीक है। जेस्को के लायक के पैसे तो अभी है ही नहीं, 3 मिलियन ऑलमोस्ट, 3 मिलियन समझ रहे हो, 2 मिलियन अपने पास हम लोग कर लेंगे, मेरे पास तरीका है, टेंशन मत लो, चलो चलते हैं बाहर को, ठीक है। अब हम लोग करने वाले एक चीज़ जो मैंने तुम लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखी हुई थी भाई, मैंने ना इतना ज़्यादा खेला और उसके बाद फाइनली हम लोगों को 8 सुपर व्हील स्पिन और पता नहीं कितने भाई, मजाक से हट के 50-60 तो नॉर्मल व्हील स्पिन होंगे ही होंगे, सो लेट्स गो हम लोग करते हैं व्हील स्पिन एंड लेट्स ट्राई कि भाई पहली बारी में लग गया, लेट्स गो भाई पहली बारी में लग लग गया हमारा, लेट्स गो प्लीज भाई प्लीज, 35,000 लेट्स गो भाई, क्या किस्मत चल रही है यार, इनको पता है कि हम क्या लेना है, अबे एस्कॉर्ट थोड़ी ना चाहिए, अरे यार भोंपू नहीं चाहिए भाई, कम ऑन लेट्स गो। ओके 2.5 लाख प्लीज, 2.5 लाख प्लीज, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल भाई क्यों नहीं, 15,000 एक बार रोक के देखते हैं फिर सुपर व्हील स्पिन करें, नहीं यार भोंपू नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए मेरे को, हॉर्न नहीं बजाना, 2 लाख 2 लाख क्रेडिट्स। ओके मैं बैक कर रहा हूँ, हम लोगों के पास ऑलरेडी 1.78 मिलियन हो चुके हैं, हम लोगों को चाहिए था 2 मिलियन, 78 हो चुके हैं, मतलब हम लोगों को 2,20,000 कहीं पे और चाहिए होगा, तो मैं तो नॉर्मल व्हील्स भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सुपर व्हील्स भी नहीं कर रहा, सुपर व्हील्स भी ना हम बुगाटी लेने के लिए करेंगे, क्योंकि बुगाटी भी इतने की आएगी कम से कम। ओ भाई वो फोर्ड क्या लग रही थी यार, अरे यार दोबारा नहीं आएगी ना वो गाड़ी, अब सैड यार, कम ऑन यार दे दो 1 लाख, चलो कोई बात नहीं 35,000 भी चलेगा भाई, 2 लाख था वो ऑलमोस्ट। ये क्या है भाई, NSXR होंडा की, लग तो कूल रही थी गाड़ी, RX-7 मास्डा, 45,000 लेट्स गो, हो रहा है गाइस, हो रहा है गाइस, हो रहा है, हो रहा है, हो गया आई गेस, हो गया राइट, यस 2 मिलियन कॉइंस हो चुके हैं, लेट्स गो बॉयज, चलो चलो, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बढ़िया यार, क्या गया था हम, ओ 2.5 लाख यार लेजेंडरी था, कोई बात नहीं, लेट्स गो गाइस, इट्स टाइम बॉयज, इट्स टाइम, अब हम लोग खरीद सकते हैं फाइनली भाई कॉनिक्सैक, हम लोग अगेरा खरीद रगेरा खरीदने वाले थे, बट आई थिंक हम लोग अब अगेरा के साथ जाएंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है उसमें सब कुछ ही बेटर, और 1 लाख रुपए ऊपर था राइट, मैं लेने वाला तो था, बट लेट्स गो बॉयज, कॉनिक्सैक अगेरा आरएस 2017 वेरिएंट है, लेट्स गो बॉयज लेट्स गो, देखते हैं कलर वलर देखते हैं एक बार, डिजाइन देखते हैं इसके क्या होंगे, भाई दिखने की भी बहुत कूल है यार ये गाड़ी, डैम पिंक करवा लूँ मजाक कर रहा था, ओए पोकीमोन वाला भी है, बट पोकीमोन बनानी नहीं है मैंने गाड़ी, ये बहुत कूल लग रहा है यार दिखने का, 3 शेड्स हैं इसमें है ना, कूल लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओके पिंक वाली तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी मेरे को, कोई तो बढ़िया कलर होगा, वाइट करवा लूँ या फिर वाइट करवा लूँ, ये लेते हैं यार ब्लैक आइस लेते हैं जो भी है, इसको लेते हैं भाई बढ़िया लग रही दिखने की, 2 मिलियन कॉइन्स स्वा, हाँ गाइस 2 मिलियन क्रेडिट्स चले गए अपने,
भाई हम लोगों को 5 लाख करके उसको भी देना है। फ्रेडी को ध्यान से रहना, हमारी फरारी किस्तों पे ही चल रही है। लेट्स गो बॉयज, तुम्हारे भाई की पहली कॉनिक सैक 11 आ चुकी है एंड अब देखते हैं इसके, अब तो हम लोग भाई इसको पूरा खोल के देख सकते हैं राइट। ये देखो, अच्छा ओ इसका इंजन पीछे होता है राइट। अरे हाँ रे, इसका इंजन पीछे होता है ब्रो। ओ हम लोग कुछ भी इसका सेट कर सकते हैं क्या? हाँ इसका इंजन भी पीछे होता है ना, ये देखो ये रहा भाई। भाई इसमें V8 है V12 है, कौन सा है भाई? ओके ये तो हम लोग भाई ये तो अपना है ही यार, 7 तो चलती है, नंबर प्लेट है भाई। खोल के देखते हैं। ओ भाई क्या हम लोग अंदर भी जा सकते हैं क्या? कैन वी गो इनसाइड? कम ऑन यार, जाने दो ना यार, अंदर नहीं जा सकते क्या? उस साइड से जाके देखते हैं एक बार, ठीक है? देयर वी गो। यार अंदर घुसने का नहीं है क्या यार? ड्राइव भाई साहब, डोंट टेल मी। देयर वी गो गाइस, आ चुकी अपनी कॉनिक सैक 11 ऑन द रोड, लेट्स गो। भाई ये दिखने की ऐसी नहीं लग रही है, ये क्या हैंडलिंग है और ये क्या था? लेट्स ट्राई गाइस। हम लोगों ने बहुत बार यहाँ से वो जो फोटो जहाँ पे खींचती है, मतलब बेसिकली चलान कटता है जहाँ पे, वहां तक का गाड़ियां खींची है। लेट्स सी कि कॉनिक सैक कितना जाती है। ओए ओए ये क्या भाई? हेलो, अरे कुछ ट्रैक्शन ट्रैक्शन नहीं है क्या गाड़ी में? हेलो, ये स्टॉक है ना? ओ भाई ये स्टॉक गाड़ी है गाइस, व्हाट द हेक। ओके दिस इज माय फर्स्ट टाइम गाइस, मैं कोई स्टॉक गाड़ी को ऑलमोस्ट 400 भागते हुए देख रहा हूँ, ठीक है? ये स्टॉक है और 400 जा रही है इसकी स्पीड। रुको मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है? हम लोग ने यहाँ से वहां तक गए, हम लोग 350। भाई साहब बस ये पहले दो में कंट्रोल हो जाए वाली चीज़ है, पता है? ये पहले दो में जिसने कंट्रोल कर ली ना, वो ही आगे को ले जा पाएगा इसको। लेट्स गो, ठीक है? एक तो ये भाई लिटरली उड़ती कालीन जैसी लग रही गाड़ी है। भाई इसका जो पीछे का विंगलेट ऐसे घूम रहा है ना एकदम से। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, देखते हैं, ठीक है? साढ़े 300 तो ये ऐसी हो गई, बस थोड़ी सी कंट्रोल भी हो जाए। 370 भाई, लिटरली स्टॉक 400 जा रही है, देखो तो सही। भाई ये स्टॉक में 400 भाग रही है, मैंने कुछ भी नहीं करा इस गाड़ी में है भाई साहब। और एक बार इंटीरियर देखो गाड़ी का। अरे ये मेरे को फ्रेडी का कॉल क्यों आ रहा है? व्हाट डू हैक गाइस, मेरे को अभी अभी फ्रेडी का कॉल आया और वो बंदा बोल रहा है कि भाई अपने घर आओ, मिलना है। भाई वो बंदा मेरे घर क्या कर रहा है? वो यहाँ से गया और मेरे घर चले गया। भाई ये गाड़ी दिखने की तो बहुत ज़्यादा कूल और क्रेजी है, क्या पता उसको कुछ काम हो या फिर कोई रेस हो, वी डोंट नो। भाई चलते हैं फटाफट से एक बार घर चलते हैं और जाके देख के आते हैं फ्रेडी को काम क्या है। यार ये गाड़ी क्या कूल है भाई। भाई ये मजाक से हट के पीछे दिखने की इतनी अच्छी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को तो इतनी खास नहीं लग रही है, बट ये गाड़ी है तो बहुत फास्ट ब्रो। मैंने पहली बार कोई ऐसी गाड़ी चलाई है जो स्टॉक में 400 भाग रही है भाई, स्टॉक में, तुम समझ रहे हो? मैं तो बोलता हूँ भाई इसको, पता है, हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है? घर का मैप मैंने लगा दिया है, मैं तो बोलता हूँ इस गाड़ी को हम लोग लेके चलते हैं सीधे। भाई ये हैंडलिंग इसकी बोली थी बहुत अच्छी है, इसकी हैंडलिंग तो मस्ती करवा रही है भाई इधर उधर, तुम समझ रहे हो? 100 meters, turn left. अरे मोड़ ली भाई यार, परेशान कर रही थी। अरे भाई साहब ये देख, बस भाई इसका गलती से भी व्हील, भाई दबा मत दो, यही होता है यार। मेरे ख्याल से रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, मुझे नहीं पता, मैं सर्च करूंगा, पर तुम लोग बताना ये रियर व्हील ड्राइव है या फिर कैसी गाड़ी है, क्योंकि यार रियर व्हील ड्राइव में यही होता है कि तुम गलती से भी पंजा पूरा, देखो अब आराम से खींच रहा हूँ ना तो दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही पंजा पूरा, ये देखा तुमने क्या हुआ? ये देखो पीछे वाला टायर कैसे स्किट मार रही है, ये देखो, मतलब पंजा पूरा तो बंदा दबा ही नहीं सकता। मैं तो बोलता हाईवे तक का रुकता है, आराम से चलाते हैं, अभी हाईवे में खींचेंगे इस गाड़ी को, तुम देखो भाई। चलो 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 भाई, कोई फ्लाई ओवर नहीं है क्या जिसके ऊपर से ले जा सके हम? भाई गाड़ी की ब्रेकिंग तो बहुत अच्छी है,
200 में ऐसे खड़ी हो जा रही है गाड़ी एकदम से। यार क्या गाड़ी है, मेरे को तो मन कर रहा है भाई सर रेस वेस करते को। भाई हम लोग को हाईवे मिल चुका है, लेट्स गो, लेट्स सी कि कॉनिग्सेग रेगेरो स्टॉक में कितनी तेज भाग सकती है। ठीक है, अभी हमारा पूरा पोटेंशियल खोलने की वो है, लाइक हम लोग निकाल सकते हैं इसका पूरा पोटेंशियल। सो लेट्स गो, 400 जा चुकी है भाई ये गाड़ी। व्हाट डू यू, डोंट टेल मी ब्रो, 434। और एक बार ब्रेकिंग देखो भाई गाड़ी की, 400 से 200 कैसे आई पता भी नहीं चला, मैं तो झूठ भी नहीं बोलूँगा। क्रेजी ब्रो, क्रेजी यार, ये गाड़ी बहुत सही गाड़ी है यार। हम लोग घर कब पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला भाई। कॉनिग्सेग की बात तो है यार, मैं मना नहीं करूँगा भाई, कॉनिग्सेग की बात तो अलग ही है ब्रो, क्या गाड़ी बनाते हैं भाई। मैंने आज तक का सही बताऊँ तो एक भी कॉनिग्सेग ड्राइव नहीं करी थी इस गेम के अंदर, और अब कर रहा हूँ तो मज़ा ही आ गया। मतलब थोड़ा सा हाँ वो है कि रियर व्हील ड्राइव है तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत देती है, बट मतलब ठीक है ना, ठीक कोई बात नहीं भाई, सीख लेंगे थोड़ी सी चलाना, इसको आदत लग जाएगी विद टाइम। ये देखो भाई, ये देख रहे हो किसी ने कॉनिग्सेग ऐसे रस्तों में चलाई है, लग रही है। चलो चलते हैं फटाफट से। फ्रेडी मेरे घर में क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं है। वैसे भाई बंदे को रेस पूछनी थी, वहीं आ जाता होराइजन में मेन, वहीं पर से अभी निकल के गया थी, तेज भगा के लेके गया गाड़ी, देखा थैंक यू बोल रहा था बंदे से, भाग गया। और भाई उसके बाद ऐसे नखरे घर ही पहुंच गया, कुछ काम आ गया होगा पता, क्या पता किसी बंदे ने उसको कॉल वॉल कर दिया हो, कुछ जरूरी काम हो, है ना, वी नेवर नो भाई, हमें क्या पता किसी की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। चलो चलते हैं फटाफट से, आंखों देखो घर पे वेट कर रहे हैं यार, चलो चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। आ गया मैं घर अपनी नई कॉनिग्सेग अगेरा लेके। कहाँ है फ्रेडी? आ गए भाई, आ गए हम घर, आ गए बस, देयर वी गो भाई। क्या नया घर, तो क्या कूल लगता है यार मेरा, मजाक से हट के यार। You have arrived at your destination. ये माफिया मेरे घर में क्या कर रहे हैं भाई?